हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3 नंबर के लड्डू गोपाल की है। इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने पर्ल्स का यूज़ किया है और बीच में मैंने इसमें प्लास्टिक के स्टोन का यूज़ किया है। फर्स्ट रो मैंने इसमें टीयर शेप के स्टोन की लगाई है, पर्ल्स की लगाई है और सेंटर में 3 राउंड शेप के पर्ल्स की लगाई है और बीच बीच में मैंने एक एक रो प्लास्टिक के स्टोन की लगाई है और चोली के ऊपर दोनों तरफ तो पूरी पूरी एक एक प्लास्टिक स्टोन की लगाई है रो और सेंटर में एक पर्ल्स के पर लगा के उसके चारों तरफ मैंने प्लास्टिक के स्टोन से एक फ्लावर बनाया। इस तरह मैंने इस ड्रेस को डेकोरेट किया। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए हम राउंड शेप में ये अपने टेट्रोन का पीस काटते हैं। ये टेट्रोन का पीस मैंने 7 इंच का लिया है। सेंटर में इसे मैं 1.25 इंच का डायमीटर में काटती हूँ, जहाँ पे अपनी चोली को अटैच करेंगे। इसके ऊपर मैं येलो कलर का साटन का कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा इसे पेस्ट कर लेती हूँ। अब टैटून के पीस पे हमने येलो कलर का कपड़ा पेस्ट कर लिया है, पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है, सेंटर में राउंड काट लिया है जो हमारे 1.25 मीटर का डायमीटर का है। साइड में मैंने इसमें सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन लगाया। इस तरह हम चोली की पट्टी को भी बना लेते हैं और साइडों में इसके धागे निकले रहते हैं, उन्हें हम सिक्योर कर लेते हैं कैंडल से। अब जिसकी पट्टी है इसकी हम 2 पीस कर लेते हैं। पट्टी को सामने की तरफ से हम 1 इंच पे और बाजू पे इस तरह करके बाजू पे हम इसे 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी ये चोली बन जाती है। तो मैं चोली कंप्लीट कर लाती हूँ। इस तरह हमने हमारी ये चोली कंप्लीट कर ली है। इसे सेंटर में से सिलाई लगा लेते हैं, दोनों जगह बाजू पे सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस चोली को हम अपने घेरे के ऊपर सिलाई मशीन से राउंड में इस तरह अटैच कर लेते हैं। तो मैं इसे सिलाई मशीन से अटैच कर लेती हूँ। इस तरह हमने अपने घेरे पे चोली को अटैच कर लिया। इस तरह हमारी ये घेरा और चोली आपस में अटैच हो जाते हैं। अब इसे हम डेकोरेट करने के लिए पर्ल यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं टीयर शेप के और हाफ राउंड शेप के पर्ल यूज़ करती हूँ। तो बाहर की तरफ मैं इसमें पहले टीयर शेप के पर्ल लगाती हूँ। इस तरह के ये टीयर शेप के पर्ल बाहर की तरफ मैं फेविकोल से लगाती हूँ। इस तरह लगाते हैं, अपने रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने अपने घेरे पे टीयर शेप मोड की रो कंप्लीट कर ली। अब इसके आगे की तरफ हम इस तरह के प्लास्टिक के छोटे स्टोन आते हैं, तो इन्हें हम एक रो इसकी लगाते हैं। इस तरह लगाते हुए ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद वापस से हम पर्ल की रो लगाते हैं, थर्ड रो लगाते हैं जो, लेकिन अब अंदर की तरफ जो लगाएंगे हम राउंड शेप के लगाते हैं। तो ये मैं इस तरह के राउंड शेप के पर्ल लेती हूँ जो अंदर की तरफ मैं इसमें लगा देती हूँ। इस तरह लगाते हम सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। वापस से फिर हम ये प्लास्टिक स्टोन की एक रो लगाएंगे, फिर वापस से हम राउंड पर लगाएंगे, फिर प्लास्टिक की। इस तरह करते हुए हम पूरी सभी जगह स्टोन, ये प्लास्टिक के स्टोन और पर लगा के इसे कंप्लीट। इस तरह हमने सभी जगह स्टोन और पर्ल्स लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया।
मैंने घेरे में 3 रो पल्स की लगाई हैं और 4 रो प्लास्टिक वाले स्टोन की लगाई है। और फर्स्ट रो हमने टीयर शेप के स्टोन की लगाई थी, सेंटर में राउंड लगाए हैं। चोली के ऊपर मैंने एक बीच में राउंड पर लगाया, उसके चारों तरफ मैंने प्लास्टिक वाले स्टोन से इस तरह फ्लावर बना के 3-3 फ्लावर एक एक तरफ बनाए। इस तरह मैंने अपनी चोली को भी डेकोरेट कर लिया है। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।